नमस्कार सभी एलएप्स कोऑर्डिनेटर्स और ओनर को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को पता है कि कोरोना की वजह से माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया में लॉकडाउन किया हुआ है और 2016 से मार्च 2020 तक ये हमारी मार्च बैच सबसे बड़ी बैच थी और उसमें ही ड्रॉप आउट होने के चांसेस ज़्यादातर है। तो ये ड्रॉप आउट रेशो कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो उनका एक व्हाट्सएप का ग्रुप हमें क्रिएट करना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होने के बाद जो हमारे कुशल युवा प्रोग्राम के जो कुछ टूल्स है उनको हमें इमेज के माध्यम से डेली बेसिस पे एक टूल्स उनको हमें साझा करना है। दूसरा है फेसबुक पेज के माध्यम से हम लाइव भी कर सकते हैं और लाइव करते समय जैसे कि हम KYP की बैच स्टार्ट होने के बाद एक इंट्रोडक्शन सेशन लेते हैं, वैसा ही एक इंट्रोडक्शन सेशन हम हमारे बच्चों के लिए ले सकते हैं। दूसरा है गूगल का एक फीचर्स है गूगल क्लासरूम, उस गूगल क्लासरूम के माध्यम से हम हमारे कैंडिडेट्स को असाइनमेंट भी दे सकते हैं और जिनके पास स्मार्टफोन है वो कैंडिडेट वो असाइनमेंट भी कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा गूगल का एक टूल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स का ये जो टूल्स है उसमें हम क्विज बना सकते हैं। क्विज बनाते वक्त हम जनरल नॉलेज हो या कुशल युवा प्रोग्राम हो तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टूल्स है जो गूगल्स के और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उस माध्यम से हम हमारे लर्नर्स के साथ साझा कर सकते हैं और उस दौरान हम उनके कॉन्टैक्ट में भी रहेंगे। इस दौरान ये करने के बावजूद भी हमें उनको डेली बेसिस पे कॉल भी करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास 80 बच्चों ने एडमिशन लिया है तो डेली बेसिस पे हमें लर्निंग फैसिलिटेटर को 5 कैंडिडेट्स को, ओनर को 5 कैंडिडेट्स को और कोऑर्डिनेटर को 5 कैंडिडेट्स को, ऐसे डेली बेसिस पे हर आदमी ने एक 5 कॉल करने की ज़रूरत है। उससे क्या होगा कि वो हमारे कॉन्टैक्ट में रहेंगे और जो हमें संभावना है कि इस बैच में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट होंगे तो वो 100% नहीं होंगे। तो इस माध्यम से मैं आपको यही अपील करता हूँ कि आप सेफ रहिए, आपके फैमिली को भी सेफ रखिए और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको इस लॉकडाउन के दौरान एक डेली कुछ एक टूल्स नया सीखने का सिखाने का हम प्रयास करेंगे। और आपको थैंक यू।